भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों को पूरा जरूर देख करके जाना। कई राज्यों से इस वीडियो में जानकारी लगी है, एक एक करके सभी राज्यों की खबरों को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आप सबके यहां आंगनबाड़ी बहनों की जो भूख हड़ताल है वो बदायूं जनपद में शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रही हैं, यहां पर राजेश कुमार सक्सेना भाई जो बदायूं जिले से आते हैं, उन्होंने अपने वहां से एक ये फोटो भेजी है और साथ ही साथ जो है एक दूसरी भी फोटो उनके द्वारा भेजी गई है, जिसमें ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें, उन्होंने लिख करके भी भेजा है, तो उन्होंने क्या लिखा है उस पर पहले गौर फरमाते हैं। भाई ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने शुरू की है भूख हड़ताल और राजेश सक्सेना बदायूं से है ये रिपोर्ट पूरी। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले मालवी आवास गृह बदायूं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों ने भूख हड़ताल शुरू की है। मंडल अध्यक्ष हैं मोर श्री गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का बकाया मानदेय शीघ्र मिलना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना जी, उन्होंने कहा है कि बिसौली परियोजना की मधु शर्मा और जगत परियोजना की सिरोमा देवी, इनका 12 माह का मानदेय नहीं मिला है। इसी प्रकार दहगवा परियोजना की 54 आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनका 4500 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 2 वर्ष से भुगतान लंबित पड़ा है, जबकि कई बार लिखित और मौखिक शिकायत जो है कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भूख हड़ताल पर जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना भाई और मधु शर्मा बैठी हैं। यह कार्यक्रम लगातार 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस मौके पर 4 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को भी संबोधित एसडीएम प्रशासन श्रीमती रितु पुनिया जी को सौंपा गया है। अभी अभी आपको वो फोटो भी दिखाई है ज्ञापन सौंपते हुए, तो वो यहां पर जो है एसडीएम है रितु जो है यहां पर पुनिया जी, उनको दिया गया है। जिला अध्यक्ष जो है राजेश कुमार सक्सेना जी, यहां पर उन्होंने कहा है कि चोरी का प्रकरण में 2 मुर्जिम फरार चल रहे हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है और जो अवशेष पैसा है उसको दिलाने की भी यहां पर, यानी अवशेष जो सामान है जो बचा है उसको यहां पर दिलाने की मांग की गई है। तो कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के भूख हड़ताल यूपी के बदायूं में राजेश कुमार सक्सेना भाई ने वहां पे शुरू की है। साथ ही बात करते हैं अगले राज्य की खबर पर आते हैं, और अभी कहीं मत जाना, अभी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में लगी है। तो आप सब बहनों को बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में संचालनालय महिला बाल विकास विभाग से 21 अप्रैल को एक ये सरकारी आदेश मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजा गया है, और इसमें कहा गया है कि प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी भवनों में रंग रोगन के लिए जो कलर है, यानी रंग रोगन के लिए जो कलर है वो स्कीम के संबंध में, तो इसके बारे में यहां पर और विस्तार से कहा जा रहा है कि विषया अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में, यानी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आंगनबाड़ी भवनों के कलर रंग रोगन स्कीम की जो स्वीकृति है वो मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग के संदर्भित पत्र से प्राप्त हुई है। पत्र के साथ में संलग्न कलर स्कीम अनुसार सभी संचालित विभागीय आंगनबाड़ी भवनों, नवनिर्मित भवनों, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों और भविष्य में निर्मित होने वाले आंगनबाड़ी भवनों, इनका रंग रोगन कराया जाना है और इसको सुनिश्चित करें। कलर जो स्कीम निम्नानुसार है, तो आइए कलर के बारे में हम सब जान लेते हैं। तो कलर में दिया है यहां पर ऑरेंज और येलो, तो ऑरेंज और येलो कलर है ये, और साथ ही आंगनबाड़ी भवन की जो मुख्य दीवारें हैं लेमन येलो उन पर रहेगा, और आंगनबाड़ी भवन के छज्जे और लेंटर जो हैं उनके जो पट्टे होते हैं उन पर ऑरेंज और रेड रहेगा। तो इस तरह से यहां पर जो है ये कुछ कलर दिए गए हैं। अमिताभ अवस्थी जी हैं संयुक्त संचालक हैं महिला बाल विकास मध्य प्रदेश में।
21 अप्रैल को उन्होंने कल ये सरकारी आदेश जारी किया है और आप सब बहनों को आज पहुंचाया गया है। सीमा चौधरी बहन आती है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। बहन ने जानकारी भेजी है, जानकारी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के सभी जो है बहनों के लिए, तो यहां पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं, एक और खबर हमारे पास पहुंची है और यह खबर है पंजाब के मोगा जिले से। तो आपको बताना चाहेंगे, जागरण में एक ये पोस्ट कल जो है परसों 20 तारीख को प्रकाशित हुई है। आंगनबाड़ी वर्करों ने कैबिनेट मंत्री को मांग पत्र अपना सौंपा है। तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन जो है इटक पंजाब ने स्त्री एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर बलजीत कौर, उनको वहां पर मांग पत्र अपना सौंपा है। तो आइए आपको एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, ये बहनें अपना मांग पत्र पंजाब के मोगा में सौंपती हुई आपको दिखाई दे रही है। वहीं आगे चलते हैं, आपको बता दें कि यहां पर बताया जा रहा है इसमें 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी सेंटरों में आते थे, जो 2017 से लेकर के प्री नर्सरी के नाम पर प्राइमरी स्कूलों में चले गए हैं, जिस कारण आंगनबाड़ी सेंटर खाली हो गए हैं, तो यहां पर इसके बारे में भी समस्या से वहां पर अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की गिनती कम होने के कारण आंगनबाड़ी सेंटरों को बंद कर दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री से मांग की है कि उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा है कि मंत्री ने यूनियन के शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार विमर्श भी किया जाए। इस मौके पर प्रदेश डिप्टी सचिव बलविंदर कौर खोसा और यहां पर और लोग हैं, वो सब वहां पर मौजूद रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक और जानकारी आ रही है, जागरण में यह भी प्रकाशित हुई है और बिहार की बहनों आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। बिहार के भागलपुर में निकला कि यहां पर भाड़े के मकान में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका को टाइमिंग तक की जानकारी नहीं है। तो कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनको नहीं पता है कि केंद्र संचालन का समय बदल चुका है। फिलहाल ऑल इंडिया पर वीडियो देखने वाली हर बहनों को पता रहता है कब कब क्या हो रहा है, वो हर एक चीज से जागरूक रहती हैं। हो सकता है वो बहनें होंगी जो ऑल इंडिया के वीडियो नहीं देखती हैं और जब वहां पर चेकिंग हुई उनसे पूछा गया तो बता ही नहीं पाई बेचारी बहन कि जो है उनके केंद्र संचालन का समय क्या है। साथ ही बात करते हैं, लिखा है इस पर सेविका ने दो टूक जवाब दिया कि उन्हें पता ही नहीं है। वहीं नूरपुर पंचायत के उप सरपंच दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, मनमाने ढंग से ये आकर के केंद्र खोलती हैं, तो इस तरह से समस्याएं ये देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर के और भी समस्याएं हैं जो शासन प्रशासन के स्तर की हैं, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र करेला 2 पड़ता है, वहां पर किराए के मकान में संचालित है, बिजली पानी वहां पर नहीं है। अब आप सोचो इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के बिना पंखे के बच्चे वहां पर कैसे बैठेंगे, तो समस्याएं बहुत सारी है। अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो पूरा दिन बच्चा क्या वहां पर पिएगा। तो ये बुनियादी सुविधाएं शासन प्रशासन को इन पर जो है ध्यान देना चाहिए। लेकिन लेटर आते हैं, लेकिन उच्चाधिकारी जो होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो इनमें कोताही बरतते हैं। आधा दर्जन बच्चों की उपस्थिति पाई गई, सेविका यहां मौजूद भी नहीं थी। जब उक्त केंद्र की सेविका को बुलवाया गया तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने का समय भी बदल दिया है। सहायिका उपस्थित थी। उच्च विद्यालय करेला केंद्र संख्या 4 की सहायिका बबीता कुमारी ने बताया कि यह केंद्र भाड़े पर चल रहा है, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है। अब भाड़े पर चलने वाले केंद्र की भी समस्याएं हैं, शासन प्रशासन पैसा समय से नहीं भेजता है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे बात करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कमी सरकार की है कि इतना समय पर समय बीत रहा है, इतना पैसा इधर उधर लगाया जाता है, लेकिन शिक्षा को लेकर के जो मंदिर कहे जाते हैं उनको सरकार बनाना मुनासिब नहीं समझती। अब बहुत जरूरी होते हैं विद्यालय स्कूल, इन पर पैसा खर्च करना, गवर्नमेंट को सबसे पहले जो शिक्षा पर जो है पैसा लगाना चाहिए और यहां पर जो है वो सुविधाएं देनी चाहिए। यहां तक कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के समय में भी बहुत सारे राज्यों में हजारों लाखों की तादाद में आंगनबाड़ी केंद्र पूरे देश में पड़े हैं जो अभी किराए पर चल रहे हैं, सबके पास खुद का अपना अच्छा भवन तक नहीं है। तो ये कुछ सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है, और जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो होती है। चुनाव में पैसा बर्बाद होता है, पानी की तरह बहता है, दारू चलती है, मुर्गा चलता है, लेकिन यहां पर शिक्षा के लिए बच्चों को स्कूल नहीं बन पाते हैं। इधर
इधर झारखंड के जामताड़ा से खबर आ रही है। अब जो बहनें झारखंड से आती हैं, आप सब भी थोड़ा सुनिएगा, भाजपाइयों ने आंगनबाड़ी कर्मियों को वहां पर सम्मानित किया है, तो ये झारखंड में देखने को कुछ मिल रहा है। आने वाले चुनाव की तैयारियों में वहां पर भाजपा के नेता अपना जुटे हुए हैं और अच्छी बात है, उन्होंने सम्मानित किया है। लेकिन केवल इस तरह से सम्मान देने से सम्मान नहीं मिलता है, बहनों की जो समस्याएं हैं उन पर विचार भी करना पड़ता है। आप सब जानते हो झारखंड में पिछली बार जब सत्ता में रघुवर दास थे तो बहनों ने न जाने कितने दिनों तक, तीन तीन महीने जो है धरना किया और न जाने कितनों पर लाठीचार्ज हुआ था, बहुत सी बहनों के चोटें आई थी। आप सबने देखा भी होगा जो बहुत लंबे समय से ऑल इंडिया से जुड़े हैं, हर एक वीडियो को हर एक फोटो को आपको यहां पर दिखाया गया था, तो आप सब जानते हैं। और वही अब फिर से सत्ता में आने के लिए आंगनबाड़ी बहनों की सिंपति बटोर रहे हैं और उनको सम्मानित करने का अपना एक नया जो षड्यंत्र है वो रच रहे हैं। और खैर इसमें भी कोई बुराई नहीं है, और क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है, जैसे कि वहां पर हेमंत सोरेन बैठे हैं, अब वो भी तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, सत्ता में न जाने कब से आ गए हैं और उसके बावजूद भी बहनों को अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाए, तो इससे अच्छा बहने अपने सूझबूझ के हिसाब से आगे बढ़े। और हर कोई बस काम लेना जानता है, दाम देने के मामले में कोई जो है आगे नहीं आता। गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, आइए इस पर भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मिलेंगे मकान, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है 21 अप्रैल को 10:02 AM पर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सौगात देगी सरकार, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। आइए और विस्तार से इसको जानते हैं, इसमें क्या है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सौगात सरकार देगी, जिसमें मनरेगा के तहत हर जिले में 2 हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। एक नर्सरी से 15 लाख पौधे तैयार होंगे, बरसात के पहले नालों को डिसिल्ट कर ले और गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी कर ले। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा अपना स्टेटमेंट दिया है और इस पर कार्रवाई हो, अवैध कब्जों पर कठोरतम कार्रवाई होगी, योगी सरकार ये भी कह रही है। और आप सब देख भी रहे होंगे मीडिया सोशल मीडिया में बुलडोजर का जो अपना एक कहर है वो तेजी से अवैध कब्जों वालों पर बरप रहा है। वहीं पर बात करते हैं 26 लाख से ज्यादा पीएम ग्रामीण आवास को मंजूरी और 1 लाख से ज्यादा सीएम ग्रामीण आवास मिलेंगे, ऐसा इनका कहना है, बाकी मिलेंगे कब वो वक्त बताएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष पोर्टल बनेगा, ऐसा भी इनका कहना है। वैसे अच्छी बात है पोर्टल बनेगा, लेकिन उस पोर्टल से भ्रष्टाचार पर लगाम भी लग जाए तो ज्यादा बेटर है। भ्रष्टाचारी चरम पर होती है, शिकायतें आने के बावजूद भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं, क्योंकि जो करते हैं उन्हीं को उनके ऊपर वाले बचाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि आने वाले समय में क्या भ्रष्टाचार पर लगाम, ये जो नया विशेष पोर्टल बनेगा, क्या वो लगा भी पाएगा या नहीं लगा पाएगा, वो आगे देखना जो है पड़ेगा। वहीं जन्म के समय जो है यहां पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह इस टाइप से बताया जा रहा है कि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आवेदन के 15 दिन के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र भी वितरण करने की व्यवस्था की जाए। अगले 2 वर्षों में कम 30,000 महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित करके मनरेगा कार्यों के संबंध में उनको किया जाए इस तरह से, और 1.5 लाख शौचालयों का हो निर्माण, तो शौचालय यानी इज्जत घर भी आएंगे और इसके बारे में भी बोला जा रहा है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, इस तरह से बता रहे कि ODF प्लस योजना के अनुरूप यहां पर 5,000 ग्रामों में यह कार्य शुरू किया जाए और 100 दिनों में ग्राम सचिवालय में CSC की सह स्थापना के निर्देश वगैरह जारी किए जाए। बहुत कुछ है जो वहां पर बोला जा रहा है, देखते हैं आने वाले वक्त में ये कितनी जल्दी हो पाता है। सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी। ये बहन आती है माया कौशाम्बी से, वहां से एक फोटो आई। और इनके अलावा आती है कुंदन भाई सहरसा से, वहां से भी एक फोटो आई। और इनके अलावा ये आती है विमला देवी जालौन से, वहां से एक फोटो आई। और एक ये बहन आती है जिनका नाम है रानी, जो गाजीपुर से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई। और ये है गजला परवीन बिजनौर से, इनके द्वारा भी एक फोटो आई। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फोटो है शशिकला वर्मा, बहन आती है अम्बेडकर नगर से, वहां से भी एक फोटो आई। और इनके अलावा अगर हम आगे चले तो ये एक बहन है सुनीता सिंह, जो आगरा से आती है, वहां से भी उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, आपको बताते हैं ये सज्जू देवी बहन है भदोई से, वहां से भी एक ये फोटो आई है। और लास्ट में आपको बताना चाहेंगे ये रेशमा मानो आती है गोंडा से, और उनके द्वारा भी बहन ने